ढोंग की जिंदगी से बेहतर है ढंग की जिंदगी। जब किसी का गुण दिखाई दे तो मन को कैमरा बना लो, और जब किसी का अवगुण दिखाई दे तो मन को आईना बना लो। किसी के घर जाओ तो अपनी आंखों को इतना काबू में रखो कि उसके सत्कार के अलावा उसकी कमियां न दिखें, और जब किसी के घर से निकलो तो अपनी जुबान पर काबू रखो ताकि उसके घर की इज्जत और राज दोनों सलामत रहें। दिल में बुराई रखने से बेहतर है कि नाराजगी जाहिर कर दो। मैं सब जानता हूं, यही सोच इंसान को कुएं का मेंढक बना देती है। खुद का मान अगर चाहो तो औरों का भी मान रखो। कहने को अगर जीभ मिली है तो सुनने को भी कान रखो। इन बातों को गांठ बांध लो। जो पिता के पैरों को छूता है वो कभी गरीब नहीं होता, जो माँ के पैरों को छूता है वो कभी बदनसीब नहीं होता, जो भाई के पैरों को छूता है वो कभी गमगीन नहीं होता, जो बहन के पैरों को छूता है वो कभी चरित्रहीन नहीं होता, जो गुरु के पैरों को छूता है उस जैसा कोई खुशनसीब नहीं होता। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो बिल्कुल परेशान न हो। वास्तव में वो लोग आपको महत्व देने का कोई और रास्ता जानते ही नहीं। कभी भी उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं, पर उनसे जरूर डरिए जो छल करते हैं। ये दो बातें अपने अंदर पैदा कर लो, एक तो चुप रहना और दूसरा माफ करना, क्योंकि चुप रहने से बेहतर कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बेहतर कोई सजा नहीं। जिंदगी में कभी भी अपने हुनर पे घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब भी पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। जीवन में तीन लोगों को कभी मत भूलना, मुसीबत में साथ देने वालों को, मुसीबत में साथ छोड़ने वालों को और मुसीबत में डालने वालों को। जहां दूसरों को समझना कठिन हो वहां खुद को समझा लेना ही बेहतर होता है। खुश रहने का सीधा एक ही मंत्र है, उम्मीद अपने आप से रखो, किसी और से नहीं। किसी को दुख मत देना, किसी को उजाड़ कर बसे तो क्या बसे, किसी को रुला कर हंसे तो क्या हंसे। दूसरों की जिंदगियों में झांकने से कुछ नहीं मिलने वाला, यकीन मानिए आपकी जिंदगी में ऐसा बहुत कुछ है जो इंतजार कर रहा है कि आप अपनी जिंदगी में झांके। जीवन में अगर कोई आपके किए गए कार्य की तारीफ न करे तो चिंता मत करना, क्योंकि आप उसी दुनिया में रहते हैं जहां जलता तो तेल और बाती है, पर लोग कहते हैं कि दीपक जल रहा है। ऐतबार जरूर करें लोगों पर, क्योंकि ऐतबार ही इंसानियत की बुनियाद है, पर किसी को ये मौका न दे कि वो आपको अंधा ही समझने लगे। ख्वाहिशें अपनी मर्जी से उठाया गया बोझ है। अगर अपनी उड़ान बुलंद रखनी है तो अपना बोझ हल्का कर दे। अपने दुश्मन को हजार मौके दो कि वो आपका दोस्त बन जाए, पर अपने दोस्त को एक भी मौका मत दो कि वो आपका दुश्मन बन जाए। याद रखना, बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता दो ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती चुरा ले जाते हैं। ज्यादा मीठे और चापलूसों से सावधान रहना। सुना है, तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। शर्मिंदगी उठाने से बेहतर है तकलीफ उठा ली जाए। अपनों का साथ कभी मत छोड़ो, क्योंकि जिसे अपने छोड़ देते हैं वो गैरों के हाथ लग जाता है। जिंदगी में ऐसे इंसान पर कभी जुल्म मत करना जिसके पास पुकारने के लिए परमात्मा के अलावा कोई ना हो। केवल अच्छे दिखो नहीं बल्कि अच्छे बनो भी। किसी के पीठ के पीछे बस एक ही काम करना सही है, और वो है उसके लिए दुआ करना। दूसरों पर हंसने के बजाय खुद पर हंसा करो, क्योंकि दूसरों पर हंसने से अहंकार बढ़ता है और खुद पर हंसने से अहंकार टूटता है। हंसकर जीना दस्तूर है जिंदगी का,
एक ही किस्सा मशहूर है जिंदगी का, बीते हुए पल कभी लौट कर नहीं आते, यही सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी का। रोने का टाइम कहा सिर्फ मुस्कुराओ, चाहे ये दुनिया कहे पागल आवारा, बस याद रखना जिंदगी ना मिलेगी दोबारा।